खोल के देखते हैं गाइस इसको। गाइस ये देखिए खुल गया, छोटा है सूर्य। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस अभी टाइम हो गया 8:30 और अभी जा रहे हैं कृष्णा अपने स्कूल। कृष्णा इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? निकल रहा है कृष्णा और मम्मी ऊपर से देख रही है। वो है मम्मी यहाँ पे। जाओ जाओ गाइस, कृष्णा तो चला गया अपने स्कूल, मैं जाऊंगा 15 मिनट बाद। अब चलते हैं ऊपर। हाँ के ला रहे दादी अपने बाहर काट रही हैं, दादा सो रहा है, बाबा सो रहे हैं। अब ऊपर चलते हैं, मम्मी बुला रही है मुझको। गाइस अभी ऊपर आ गया और यहाँ पे मस्त धूप सेक रहे, इतने में धूप आ रही है, यहाँ बैठ गए कुर्सी लगा के। और वो कल जो है ये वाला कंबल भी सुखा दिया था, मतलब धो दिया था ये वाला कंबल, लेकिन सूखा नहीं खाया मैं अभी। गाइस ऊपर का पूरा सोख सूख गया सॉफ्ट सॉफ्ट, और नीचे का बहुत गीला है यहाँ से। ये देखिए गाइस बहुत गीला है यहाँ से। आज की धूप लगेगी तो सूख जाएगा गाइस, आज सूख जाएगा ये वाला कंबल, 2 दिन से पड़ा है सूखता ही नहीं है। गाइस यहाँ पे दादी ने अचार रखा है धूप में, खराब तो नहीं होगा धूप में? आज धूप लग के फिर इसमें भर देंगे। और यहाँ पे स्टेडा भी धूप सीख रहा है। और गैस मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है आजकल, धूप भी निकल आई है। स्वेटर नहीं पहन के जाओगे? स्वेटर गैस गर्मी होती है क्या, स्वेटर पहने? स्वेटर नहीं पहनेंगे, नहीं छाई में तो गर्मी लगती है स्कूल में। स्कूल में धूप थोड़ी रहती होगी जहाँ बैठते हो, लेकिन गर्मी तो लगती है, धूप नहीं रहती तो क्या करें। गाइस अभी मैं स्कूल से आ गया हूँ और अभी जा रहे हैं कंट्रोल में राशन लेने के लिए। बाबा ने हमें बोरी रख ली, अभी चलते हैं कंट्रोल। गाइस अभी ऑटो में बैठ चुके हम जा रहे हैं। गाइस यहाँ पे बाबा का नाखून लग गया है तो बाबा को राशन मिल जाएगा, और मेरा अंगूठा नहीं लग रहा है तो मुझको राशन नहीं मिल पाएगा। तो 10 मिनट वेट करने का है, 10 मिनट के लिए मशीन बंद हो गई, तो 10 मिनट बाद लगाएंगे तब जाएंगे, वरना अंगूठा ही नहीं लगा। गाइस अभी राशन तो ले लिया है, लेकिन अब एक दिक्कत होगी, दादा को फोन करके बुलाया, वो आ गया होगा क्योंकि मेरा अंगूठा नहीं लग रहा था। दादा को फोन करके बुलाया था, देखते कहाँ पे दादा। हेलो, जाओ घर जाओ, लग गया अंगूठा, हाँ मिल गया। गए यहाँ पे दादा जा रहा है, जब दादा पीछे पीछे आएगा क्योंकि दादा को बुला रही है, दादा के पास फोन है, तब ना फोन करके कह देते उसको। ये देखिए कहीं दादा आ रहा है, अंगूठा भेज भी लगाओ। गाइस अभी घर पे आ गए हैं और यहाँ पे दादा ने एक पार्सल मंगाया था जो आ गया है। क्या है कितना, तो कुछ पता है तुमको? स्टूल। गाइस ये एक स्टूल है, मुझे अभी पता चला कि जाया है, तो अभी इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये पता नहीं छोटा सा स्कूल है, फोल्ड होके खुल जाता है शायद। गाइस ये ऑनलाइन नहीं मंगाया था, ये हम लोग लाए हैं बाजार से, हम लोग नहीं मतलब जब मैं स्कूल में था तो फिर दादा और मम्मी गए थे बाजार तो वहां से लेके आए। ये ऑनलाइन नहीं मंगाया, ऑनलाइन जो मंगाया वो भी आएगा, लेकिन जो बाजार से लाए हैं सच्ची बाजार से। गाइस अब इसको खोल के देख लेते हैं भाई, कितने का लाए? ये 100 रुपए का है। 100 रुपए का ही, देखते हैं इसका क्या काम रहता है। फोल्डिंग वाला स्टूल है, खुल गया। ये देखिए खुल गया, छोटा है सूर्य। बस ये हल्का सा, बस ऐसे करो, बंद नहीं हो रहा। ये देखिए ऐसे बंद खुल होता है, बंद खुल। इसको इससे क्या काम होगा, छोटा सा बैठ के टूट जाएगा। नहीं इसको बेड के ऊपर रख के इस पर लिख लो, पढ़ाई कर लो। गाइस वैसे गाइस 50 किलो उठाए ले रहा है आसानी से। ये स्टूल बहुत छोटा सा है, जिसकी हाइट देखिए कितना सा स्कूल स्टूल है, 1 फुट का है, 1 फुट का खाली। देखिए अब मैं इसको बैठ जाता हूँ, चला जाएगा गाय। जब पूरा 50 किलो उठाया, 50 किलो पूरा सही है। फोन बता देते यार, थका लिए, थक गए। हाँ मार्केट वहां से गए हैं ना, दवाई लेके आए थे। गाय जी दवाई लेने गया था पहले। गाय जी टी शर्ट लेके आया है, ये टी शर्ट ओवर साइज सट्टी बाजार से, 150 का माल। नहीं जैन के यहाँ से 290 का माल। 290 का माल, और क्या लाए मेरे लिए? मेरे लिए बाहर में अपने जॉर्डन की चप्पल लाए, जॉर्डन चप्पल भाई वो तो सबके पास होती है। मेरे लिए क्या लाए मम्मी? इसको क्या करोगे? ऐसे अच्छा लग रहा था तो खरीद लिया। तो आज फाइनली 2 दिन के बाद हम लोग जा रहे हैं ट्यूशन में जा पढ़ने के लिए, क्योंकि मैम गई थी कहीं घूमने के लिए 2 दिन के लिए, तो मैम थी नहीं। तो आज हम लोग जाएंगे 4:30 बजे ट्यूशन, अभी 4 बज गए हैं। अभी मम्मी अभी चाय बना रही हैं, चाय पीने के बाद चलेंगे ट्यूशन। और गाइस दादा अभी गया है लैट्रिन में, पॉटी करने गया है, तो अभी इसकी लाइट बंद हो करते हैं। क्या हुआ बैठे हो तुम?
अरे मुझे लगा तो खाली है, कोई अंदर है ही नहीं इसलिए। सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। उसको पता चल गया मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। अगर मैं ब्लॉग ना बना रहा हूँ तो बहुत चिल्लाता मेरे ऊपर, लेकिन उसको पता चल गया था कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। क्या देख रहा है, क्या देख रहा है? गाइस आज जाना है ट्यूशन में, इसलिए अभी दो दिन के बच्चे पढ़ने लगा है। दो दिन से नहीं पढ़ रहा था क्योंकि ट्यूशन नहीं जाना था इसको। गाइस जी अब अपना स्कूल से निकाल रहा है, नहीं मेरा बैग से निकाल रहा है, टिफिन अपना निकालो। इतने समय बाद निकाल रहा है। और अभी मैं जा रहा हूँ रस वस लेके चाय पीने के लिए। ये डिब्बा लड्डू खत्म हो गया तो फेंक देते हैं इसको यहाँ पे। चाय बन गई, एक था इसमें। क्या वो खा गया मैं आने के बाद? लड्डू नहीं है तुमको? गाय जिसको लड्डू मिलता ही नहीं, सारे लड्डू दादा खा जाता है, फिर मम्मी खा जाती है। गाय अभी चाय पी के अंदर कमरे में आ गए हैं, और यहाँ पे अभी भी मैंने देखा यहाँ पे ये जो है यहाँ पे रखा हुआ था, और ये जो पार्सल आ गया है, जो पार्सल मंगाया था आ जाने लगा था, वो दादा ने लेके रख लिया था सुबह ही। मुझको पता नहीं था, मैंने आपको कहा कि अभी आएगा, लेकिन सुबह ही आ गया था। तो अभी ट्यूशन का टाइम होने वाला है, 15 मिनट बाकी है अभी खाली ट्यूशन जाने में, तो उसको यहाँ पे रख देते हैं। ट्यूशन से आने के बाद इसको अनबॉक्स करेंगे, इसकी अनपैकेजिंग करेंगे ट्यूशन के आने बाद। गाइस अब ट्यूशन के लिए निकलते हैं, दादा भी जा रहा है ट्यूशन, चलते हैं ट्यूशन के लिए। कृष्णा निकल चुका है, चलो चलो चले चलो चले ट्यूशन। तीन दिन बाद जा रहे हैं गाइस ट्यूशन। बस 3 दिनों के बाद जा रहे हैं, नहीं दो दिन नहीं गए ट्यूशन, 3 दिन नहीं गए, दो दिन से नहीं जा रहे ट्यूशन। मेरी जॉर्डन की चप्पल थोड़ी ढीली कर लो, तुमने कसी कर दी थी, इसको ढीला करो चप्पल को। मम्मी दादी करी चाय पिलाओ, मम्मी देने आएंगी। देखो चाय पिला देना मेरी गैर हाजिरी में, दादी ने मुझसे कहा है, मैंने दादी को वचन दिया कि मम्मी आपको चाय पिलाएंगी। ठीक है, आके पूछना मम्मी दादी को। मम्मी कपड़े भी उठा देना, पानी सस्ते। ठीक है दादी, आपके लिए सस्ता कंघा 10 रुपए वाला। भाई जब ट्यूशन से आ गए हैं, और दादा भी जाके ले आया है गन्ने का जूस, यहाँ पे रखा है। ये मम्मी गन्ने का जूस निकाल रही है, गिलास पकड़ो। 3 गिलास पैक रख लाए, 3 गिलास। ये है मेरा गन्ने का जूस। ये स्वीट स्वीट डे, गाइस स्वीट डे अच्छा है, अच्छा है ना। तुमने कितना पिया? हम सुबह 7 गिलास पी के आए थे, अभी 2 गिलास पी के आए। गाइस 7-7 गिलास पी जाता है, सुबह 7 गिलास पिया था, अभी 2 गिलास पी के आया है। गाइस अभी कृष्णा भी आ गया है, और यहाँ पे चौकोपाई लेके आया है, चौकोपाई। गाइस कृष्णा ने गन्ने का जूस नहीं पिया, चौकोपाई लेके आ गया, मेरे लिए भी लिया, अपने लिए भी जूस भी पिया। गाइस अभी मैं जाके इसको बेक करूंगा, और ये दादी को दे आऊंगा। गाइस अभी इसको चल के बेक करते हैं ओवन में। गाइस अभी मैं किचन में अकेले ही आ गया हूँ, और यहाँ पे अपना रखा है लोटी चोको पाई, अब इसको यहाँ पे बेक कर लेते हैं। उन दोनों को नहीं लाया मैं, क्योंकि वो दोनों मेरा खा जाता है, अकेले मुझे मिलता ही नहीं, तो अभी कर लेते हैं इसको 30 सेकंड के लिए। आवाज देख रहे हैं गाइस कितना कर रहा है, फर 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 फर। गाइस अपना हो चुका है, फिर नहीं करना। गाय फट गया ये तो पूरा, गाय ये पूरा अलग कैसे हो गया? गाय ये तो इसके ऊपर का वो खिसक के इसके बगली में गिर गया, तो अभी इसको खाते हैं। गाय जब इसको खा लेते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। गाइस ने मुंह में चिपक रहा है ज्यादा, मतलब बहुत चिपक रहा है दांतों में ये, जब पिछली बार खाया तब नहीं चिपक रहा था। गाइस खत्म हो गया। गाइस अभी अंदर आ गए हैं, और जो अपना ये जो है ये पार्सल जो है तो इसको भी अनबॉक्स करके देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी मैंने देखा कि इसकी जो सील है ये सील खुल गई है, क्योंकि दादा ने इसको पहले खोल लिया था, तो अब इसको मैं फिर से खोल लेता हूँ। मैंने भी इसको खोल के देखा था, इसके अंदर एक वो है, क्या है कृष्णा इसके अंदर? इसके अंदर रिमोट स्टैंड है, इसके साथ ये कुछ ये मिला है कीले लगाने के लिए, अरे जो भी हो रिमोट फोन, और ये कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको हम लोग ऐसे यहाँ पे लगा सकते हैं, और इसके ऊपर फोन रख देंगे ऐसे, रख गया। अभी तो इसको पहले सेट करना पड़ेगा दीवार में, यहाँ पे मैं छेद है ना, तो छेदों में कीले घुसे उनको लगा देंगे, फिर यहाँ पे फोन लगा सकते हैं हम लोग। बाहर वाला जो बोल्ड है उसमें कुछ फोन का सिस्टम ही नहीं है, उसमें हम लोगों को ये जो फोन है
इस फोन को इसके ऊपर रखना पड़ता था, इसी वजह से मम्मी का फोन टूट गया था, फिर स्क्रीन बदलानी पड़ी थी, लेकिन अब मम्मी का फोन नहीं टूटेगा। मम्मी आज भी वैसे ही रखती हैं, इसलिए दादा ने ये मंगा दिया, तो इसको बाहर फिट कर देते हैं। और गाइस इसके पीछे यहाँ पे छेद है, इसके पीछे से हम लोग चार्जर का पिन घुसेड़ सकते हैं। दादा इसको फिट करना है, ड्रिल मशीन लेके तो फिट करेंगे ना। गाइस यहाँ पे ऐसे फिट हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे फिट हो जाएगा ये चीज। गाइस अब इसको दोबारा इसके अंदर रख देते हैं, क्योंकि जब गुड्डन भी आएंगे तो वही लगाएंगे इसको। और गाइस आज अपने ब्लॉग में डेट की एक गलती हो गई है, ये अपना आज का ब्लॉग मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इसमें क्या लिख, क्या गलती आया था किसना? गाइस 8 जनवरी आ गया इसमें, लेकिन 8 फरवरी आना चाहिए था, तो यही गलती है, ज्यादा कुछ बड़ी गलती नहीं होती रहती है, गलतियों से ही सीखेंगे गाइस, इसके बाद नहीं होगी ऐसी गलती। दादा एडिट करता है वैसे, ये वीडियो है आज की, मैंने इसको खोल दिया और यहाँ पे लिख के आ रहा है 8 जनवरी सबसे ऊपर, 8 फरवरी आना चाहिए था लेकिन 8 जनवरी आ रहा है, क्योंकि दादा ने जनवरी फरवरी में मिस्टेक कर दी। गाइस अभी जा रहे हैं बाहर सामान लेने के लिए शॉप पे, अभी चलते हैं बाहर सामान लेने के लिए, झोला ले लेते हैं। बिस्किट अलग अलग लाना, एक रस का पैकेट और एक ब्रेड और एक नमकीन बिस्कुट, मतलब 5-6 नमकीन बिस्कुट। रोज क्रैक जैक खा के बोर हो गए, चाय में डूबो लोगे खाते हैं, अब कुछ नया ट्राई करेंगे, नए बिस्कुट। साल बदला है, बिस्कुट भी बदलेंगे, हम भी बदलेंगे। गाइस अभी सामान लेके आ गए यहाँ पे, और अभी मम्मी ने मुझसे डब्बे मंगाए हैं, जो होते नहीं डब्बे टॉफी वॉफी के जो बच जाते हैं दुकानों पे, वो अचार रखने के लिए, क्योंकि मम्मी ने अचार बनाए, डिब्बे खत्म हो गए पहले से, यहाँ पे बहुत सारे डिब्बे में अचार रखे हैं, लेकिन अब डिब्बे खत्म हो गए, तो मम्मी कह रही है अपने घर में हर प्रकार का अचार मिल जाएगा। गाइस अपने घर में हर चीज का अचार है, आम का, इमली का, प्याज का, मिर्ची का, तो अभी दुकान पे चल के लेते हैं डब्बे, क्योंकि डब्बे चाहिए होंगे। ये बिस्कुट ले लेना, तुम्हारे पास पैसे है ना, ये अच्छा लग रहा है खाली खाने में, इसको बिस्कुट अच्छा लग गया। आप शॉप पे चल के लेते हैं डिब्बा, ठीक है। जब डिब्बा लेके आ गए हैं, और यहाँ पे दादा अभी नीचे बेडशीट बिछा रहा है डिब्बा इस पे बेड पे, और बाबा यहाँ पे बता रहे हैं कैसे कैसे बिछाना है। बाबा कुछ नहीं बता रहे। तो डिब्बा कहाँ के लिए लाया, मिठाई का? मिठाई का डिब्बा, अरे वो जो अचार रखने के लिए होते नहीं डिब्बे, वो वाले डिब्बे। बाबा को लग रहा है मिठाई का डिब्बा लाए, बाबा मिठाई लाया तो हमको भी मिल जाएगी। मिठाई खाओगे? हम खाएंगे नहीं, देखेंगे। गैस बाबा को मिठाई खाने का मन, देखोगे? हाँ, गैस बाबा मिठाई देखेंगे कह रहे हैं। अगर हमको अमरूद मिल जाएगा तो अमरूद खा लेंगे। अमरूद खाओगे? हाँ, और वो मिल जाएगा अमरूद, और इतने इतने बड़े वो क्या होते हैं, अंगूर नहीं, गुलाब जामुन, बेर मिले, बेर खा लेंगे। गैस बाबा को कुछ मिलता नहीं खाने को, क्योंकि उनको शुगर है ना, इसलिए। गाइस अब मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ, और यहाँ पे बाबा अपने पीछे वीडियो देख रहे हैं, तो आपको थोड़ी आवाज़ आ रही होगी। अब मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप आप ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।